यह वीडियो जो आप अभी देखने वाले हैं, इसे सितंबर के आखिरी हफ्ते में बनाया गया था। मुझे ये बताते हुए अत्यंत ही दुख हो रहा है कि ये बेल, जो कई परागण यानी कि पॉलिनेटर्स का घर था तथा कई जीवों का भोजन था, उस हरी भरी फल फूल से लदी हुई बेल को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया गया है। सदाबहार और फूल के पौधे जो आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखे होंगे, उनका भी यही हाल किया है। वो हर पौधा मैंने और मम्मी ने स्वयं अपने हाथों से लगाया था तथा उसकी देखभाल भी की थी। हम अक्टूबर 19 से नवंबर 3 तक आउट ऑफ स्टेशन थे। उसी दौरान इस बेल को और बाकी फूल पौधों को जानबूझकर चाचा चाची ने उखाड़ कर बंजर कर दिया। यह इन्होंने पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी ऐसा ही हुआ है। कोविड में ऑक्सीजन की कमी होने के बाद भी इन पेड़ पौधों की अहमियत कुछ लोग कभी नहीं समझेंगे। शायद वे भूल चुके हैं कि ऑक्सीजन पेड़ पौधों से ही मिलता है। धन्यवाद। बने रहिए स्ट्रीमर्स पे। वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। आपको हर थर्सडे मैंने बहुत सारी मॉरल स्टोरी सुनाई है, आज थोड़ी संडे को थोड़ी मज़ेदार कहानी सुनाते हैं। मज़ेदार मतलब ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे, मतलब आपने नाम सुना होगा ना, पंजाब की मक्की की रोटी होती है और आगरे के पेठे का नाम सुना होगा। खाया भी बड़े मज़े से होगा, एक सफ़ेद वाला होता है, एक केसर वाला होता है, बड़े मीठे होते हैं, मज़ा आ जाता है। खाया क्या, फूडी हूँ, सो काइंड रेजिस्ट माई सेल्फ। तो मैंने व्हाट्सएप पे डाला था इसकी फ़ोटो, मैंने पूछा अपने दोस्तों से, बताओ बताओ क्या है। बड़े मज़ेदार मज़ेदार आंसर मिले। किसी ने बोला पापड़, किसी ने बोला लौकी, किसी ने बोला कद्दू, तो किसी ने बोला खरबूजा। मैं ऐसे एकदम गलत हूँ। वहीं कुछ थे जिनको पता लग गया, अरे ये तो वो है जिससे आगरे की मशहूर पेठा बनता है, मिठाई वाला। मैं ऐसे एकदम सही कहा, मज़ा आ गया सही उत्तर सुन के। तो बेसिकली ये हमने पिछले साल खाया था। अब आपको पता होगा ना, मैन्योर बनाते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, मिट्टी में डालते हैं किचन वेस्ट और उससे बनती है खाद, विच इज़ गुड फॉर प्लांट्स। सो वही बनाया, इसका कोई बीज पता नहीं कैसे उसमें रह गया, तो ये लता थोड़ी थोड़ी करके बढ़ने लगी। पहले तो हमें लगा पता नहीं कौन सी लता है, तो हमारी मम्मी एक्सपर्ट हैं, पत्ता सुन के बता देती हैं, थोड़ा सा कच्चा थोड़ा सा हिस्सा खा के बता देती है जंगली है या नहीं है। वही हुआ, चलो लता बढ़ती गई, फूल लगते गए। अब हमें पहले डाउट हुआ कद्दू की है, कद्दू तो कद्दू के पत्ते खाते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, दिखाया था, तो वैसा टेस्ट नहीं आ रहा और शेप भी थोड़ी अलग है पत्तों की। फिर मैंने गूगल लेंस निकाल के फ़ोटो खींची पत्ते की, गूगल बाबा जी बताते हैं कि ये खरबूजा है। मैं ऐसे खरबूजा है, बट डाउट इस बात पे था कि समर्स में होता है खरबूजा, पर ये विंटर्स के समय क्यों उगने को हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे फूल लगा और पहली छोटू सा, ये दोनों जो आप देख रहे हैं ना लटके हुए, छोटू सा लगे हुए थे, एकदम छोटे छोटे, आपको दिखाते हैं, चलिए देखिए। वो वहाँ से झांकिए ज़रा, ठीक वैसे ही छोटे छोटे ये दोनों लगे हुए थे। अब वापस आ रही है इधर मेरे पास, हाँ आ गया आप सब मेरे पास, अब मैं आप सबको अच्छे से देख पा रही हूँ। ओहो हो, तो ऐसे ही लगे हुए थे ये दोनों। ये वाले को तो ऐसा है, बट जब मैं इस वाले को हाथ लगाती हूँ ना, मुझे लगता है मेरा हाथ बच्चे का हाथ है। सीरियसली इतना बड़ा हो गया है ये, देखिए ज़रा मेरा हाथ देखिए, मतलब दोनों हाथ भी लगाऊँगी ना तो भी नहीं लगेगा। ये छोरी आपको मैं अपने ऐसे दिखाती हूँ, तब थोड़ा बहुत मतलब पास में नहीं है, इसके कांटे लग रहे हैं मेरे को। हाँ अब देखिए इतना है, कितने बड़े हो गए। इन दोनों की फ़ोटो भी मैंने लगाई है, अभी आगे देखिए। तो इसी से आगरे के मशहूर पेठे बनते हैं और जो आप अमृतसरी बरियाँ खाते हैं उनमें भी डले होते हैं, तो इनडायरेक्टली कनेक्शन सब जगह का है। और असम में इसको चाल कुमड़ा कहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं, आप सोच रहे होंगे हाय दैया इतने बड़े बड़े, ये ख़राब तो नहीं हो जाएंगे रख के। अब चलिए मैं आपको एक और दिखाते हुए
बताती हूँ, एक सेकेंड रुकिए ज़रा। तो आप देख सकते हैं ये भी एक लगा हुआ है, कहीं से छुपा हुआ है, ये अपना चेहरा पूरा दिखाना नहीं चाहते हैं हमें। बट हम आपको बताते हैं कि इसके आप पत्ते खा सकते हैं। और जब ये छोटे थे, एकदम बिट्टू बिट्टू से थे, एकदम छोटे छोटे से थे, आप तब भी इसको खा सकते हैं। तो यही बात है। और इसकी खासियत ये है कि आप इसको सालों सालों तक रख सकते हो, ये महीने महीने भर चल जाएंगे, ये ख़राब नहीं होते। तो लौकी ख़राब हो सकती है, कद्दू ख़राब हो सकता है, बट ये जल्दी से ख़राब नहीं होता। तो मज़े लीजिए, स्वाद लीजिए चाल कुमरे का और पेठे का, दोनों का दो अलग अलग नाम है इसके। चाल कुमरा आसाम में कहते हैं इसको, और आगरे का मशहूर पेठा तो आपने सुना ही है। इसी के साथ ये ब्लॉग यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।